हेलो सीएस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोग मस्त है शानदार हैं और जबरदस्त है आज हम बात करने वाले हैं उन सारे बच्चों से जो जून 2024 के अंदर में सीए का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों को पता है कि भैया सिलेबस अब थोड़ा सा रिवाइज हो गया है टेंशन की बात नहीं है मैथ्स एलआर और स्टैट्स जो आपका सब्जेक्ट होता था उसका बस नाम चेंज हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 10 परसेंट सिलेबस बढ़ गया है ज्यादा चेंजेस नहीं है तो मतलब टेंशन का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई लगे कि आप लोगों से इस सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर थ्री क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलेंगे अब से। जून दो हजार चौबीस में जो बच्चे सोच रहे हैं या जिनको लगता है कि उनको सीए बनना है उसके अंदर में जो तो पहली सी डी एस फाउंडेशन पेपर थ्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर बात कर लेते हैं और एक छोटा सा डेमो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं यस yes. बट सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये पेपर नंबर थ्री होगा उसके अंदर जो ये तीन पार्ट है उसमें क्या क्या है मैथ्स है एल है और स्टैट्स है जिसको मिलाकर नाम दे दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चालीस नंबर का ये बीस नंबर का ये चालीस नंबर का ये ये तीनों मिलाकर आपका सो मार्क्स का पेपर होने वाला है मजे की बात ये है ये एमसीक्यू पेपर है एमसीक्यू पेपर होगा ठीक है जिसके अंदर मैं आपको अगर अपने सही आंसर दिया तो प्लस वन मिलेगा गलत दिया तो माइनस प्वाइंट टू फाइव मिलेगा और अगर आंसर नहीं दिया तो आपको शून्य आंसर नंबर मिलेगा मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन का नहीं मिलेगा गलत आंसर देने का माइनस पॉइंट टू फाइव सही आंसर का प्लस वन है सौ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं बेटा आप लोगों के यस yes, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो घंटे दिए जाते हैं तो यहां पे एक सूचना। ये को क्रैक करने के लिए आपको स्पीड चाहिए एक्यूरेसी चाहिए और ट्रिक्स चाहिए मजे की बात यह है कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होगा कैलकुलेटर यस yes, हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर होगा अभी यहां पर ऐसा दिखा देता हूं ठीक है यस कैलकुलेटर आपको क्लास के अंदर में हम पूरा मैनुअल कैलकुलेटर होगा मैं यूज़ करता हूं जनरली के का एम डी एम जे ट्वेल्ड मॉडल मैं बता दूंगा बाद में आई थिंक एम जे ट्वेल्ड मॉडल है के का वो मॉडल हम यूज करेंगे मोटा मोटा ये सारे बटन होते हैं नॉर्मली कैलकुलेटर पे इस टाइप के थोड़े बहुत चेंज होंगे किसी में दोनों बटन मिक्स हो जाएंगे यस एम की जगह में मार्कअप का बटन होगा ऐसा कैलकुलेटर हमारा यूज किया जाता है ओके okay. ये कैलकुलेटर का यूज करके आप एग्जाम के अंदर में बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे जिनको सीखना है सीए वाला की ट्रिक्स आ, पे मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स डाली हुई है yes, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं हर लेक्चर के अंदर में हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं भाई किस जगह पे कैसे ट्रिक्स यूज करनी है गोबर जो की कैसे ट्रिक यूज करनी है और भी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकती है वो कैसे यूज करनी है नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि उसको हम फटाक से रिवाइज कर सके जिससे हमारी स्पीड बढ़ मैं बोलूंगा तो ये दो घंटे में, ये 100 में करके को हम फोड़ देंगे okay? एग्जाम में वैसे तो बोला जाता है चालीस मार्क्स आप स्कोर कर लो तो आप पास हो बट एग्रीगेट की अगर बात करते हो एग्रीगेट मतलब चारों पेपर का मिला लोगे तो दो मार्क्स ये आउट ऑफ चार तो मिनिमम बोल दूंगा मैथ्स में चालीस चाहिए आप लोगों को बट पचास नंबर आप मान के चलो और स्कोर करना सेफ साइड होगा ठीक है ना एग्रीगेट क्या है फिफ्टी परसेंट है जबकि पर सब्जेक्ट चालीस भी आए मान लो अगर मैथ्स में चालीस आए इको में अस्सी आ गया अरे हो गया काम है ना तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉन मैथ्स जो बच्चे हैं जिन्हों के पास ग्यारहवीं और बारहवीं में मैथ्स नहीं थी जो डर रहा है मैथ्स से स्टैट से यस क्योंकि यहां स्टैट्स भी थोड़ा कैलकुलेटिव होती है जो डर रहा है यस उनको मैं बता दूं, डरने की बात नहीं है आपको चालीस नंबर लाने हैं और ट्रस्ट में ये बहुत आराम से आएंगे सिलेबस देखोगे पता चलेगा अरे यार ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है छठी सातवीं आठवीं वाली है इसमें तो बहुत सारी स्ट्रैच तो वही है जो इको में पढ़कर आए हैं अरे एल ये तो बहुत आसान सी होगी थोड़ा बहुत सीयूटी में भी पढ़ाते पढ़ते ही हैं है ना सीयूटी के लिए प्रिपेयर करोगे बट उससे भी आसान लेवल की है मैं आपको बता देता हूं कि बेटा कौन कौन से चैप्टर नॉन मैथ्स का भी जो बच्चा है वो एकदम ढंग से तैयार करे तो आराम से प्रिपेयर करके अस्सी नंबर ला सकता है यस अस्सी नंबर ला ही सकता है आराम से ठीक है और अस्सी यहां का मतलब आपके बोर्ड के पिचानवे और साठ नंबर तो ऐसे हैं जिसके अंदर में भाई भी भी की की मैथ्स कोई जरूरत भी नहीं है मतलब पास होने का तो पूर्ण रूप से जुगाड़ है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पास नहीं हो सकता अगर वो मेहनती है कौन कौन से चैप्टर मतलब है देखो रेशियो प्रपोशन इंडाइसिस वाले तो ये सब जो पार्ट है ये तो भैया हमने छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा हुआ है Yes, वो पढ़ना है वापस से थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी होगी पढ़ लेंगे कोई बात नहीं लोग ने आया है कोई बात नहीं टेंशन नहीं है ना पांच में से मान के चलो तो तीन नंबर तो पक्के आएंगे आएंगे इक्वेशन पढ़ी है लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है चार नंबर में तीन नंबर यहां से पक्के आएंगे आएंगे या आएगा हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी अब इस चैप्टर को नाम चेंज करके हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कर दिया गया है ये पहले इसको ये बोलते फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बोलने वाला भाई ये सबसे महंगा चैप्टर है महंगा मतलब सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है हमारे रियल लाइफ के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ओह यही तो हमें जिंदगी में चाहिए पैसा 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 उसके बारे में समझते हैं ई का कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा हुआ है सब वही आएगा बहुत आसान है ये बीस नंबर की जो हमारे ये बीस नंबर के हमारे जो है ना सब्जेक्ट का पार्ट लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं ये बहुत ही आसान है थोड़ी सी कॉमन सेंस और हो गया बहुत ही आसान पूरा आता है ठीक है यस yes. यहां पर ये बेसिक्स ऑफ स्टैट्स है जो आप लोग पढ़कर आए हैं अपना इकोनॉमिक्स में ये वाला चैप्टर भी और ये वाला चैप्टर भी ठीक है थीके? तो बेटा देख लो सीधा सीधा ये कितना आसान हो गया आठ प्लस छ प्लस पांच कितना हो गया इक्कीस नंबर प्लस मोटा मोटा मान लो ये उन्नीस से बीस नंबर तो टोटल मिला ले चालीस नंबर यहां से और यहां पर देखो ये चैप्टर भी थोड़ा आसान सा चैप्टर है ये चैप्टर भी थोड़ा सा आसान सा चैप्टर है जिसको आप कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना क्लियर है तो यहां पर भी देखो अपना फोर्टीन प्लस मान लो यहां से मैंने बोला कि छह नंबर और यहां से आपका क्या बोलते हैं मोटा मोटा आपका छह नंबर यहां से मिल जाओगे तो लगभग से 70 नंबर का आपका तो ऐसा पेपर आएगा जो बहुत ही आसान है बाकी जो चैप्टर है वो डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं बाकी चैप्टर भी डुएल चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा नॉन मैथ्स वालों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई ये चैप्टर बच्चे डराएंगे जो इलेवन ट्वेल्थ मैथ्स वालों के अरे तेरे पास कैल्कुलस पढ़नी होगी अरे बाप रे बापुर ये बहुत खतरनाक सी चीज होती है अरे हमने छह महीने लगाए इसको पढ़ने में अरे टेंशन कहा ले रहा है चार ही नंबर की अरे छोड़ देंगे नॉन मैथ्स वाले विद मैथ्स वालों के लिए जो बहुत आसान आने वाली है कोई भी नहीं मतलब वो 11, वाला नहीं है। बहुत ही बेसिक आए उनका कुछ नहीं है यहाँ पर इतू सी है, है ना यस बाकी मतलब मैं बोल सकता हूं भाई विदाउट मैथ्स वाला बच्चा आराम से बिल्कुल आराम से बेटा है ना विदाउट एनी टेंशन जिसके पास ग्यारहवीं बारहवीं मैथ्स नहीं थी यस वो भी आराम से पैंसठ नंबर का तो एकदम आराम से ला सकता है और अगर अपने को स्ट्रेच करेगा 80 से 85 मार्क्स तो भैया आ ही जाएंगे अगर प्लानिंग अच्छे से हुई ये लाने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है आपको जो है अपने ट्रिक्स को ध्यान करना पड़ेगा रिवीजन करनी पड़ेगी ये सारी टिप्स ये सारी ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा ठीक है

हर टाइम पे गवर्नेंस देता रहेगा ठीक है ना भाई क्लियर है तो ये आई जो आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है भाई यही हमारा बाइबल है यही हमारा कुरान है और यही हमारी जो है है भैया गीता इसी के अकॉर्डिंगली पे हम जो है ढंग से तैयारी करते हैं सबसे पहले सबसे पहला काम है इसको अच्छे से तैयारी करना उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम मस्त तरीके से प्रिपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए एम के क्वेश्चन आए उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम धाकड़ लेवल के बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, करते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तैयारी जबरदस्त हो जाएगी ये करना है। इसके साथ साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स बीच बीच में चलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी जबरदस्त होगी ये मैं प्लान करता हूं आप लोगों के लिए और मैं चाहता हूं कि बस जितना मैं करा रहा हूं बेटा वही करता रहे पास तेरा गारंटी है अच्छे नंबरों से तेर को मैं प्लानिंग सो की कराऊंगा तैयारी सो की कराऊंगा तेर से जितना होगा वो बता दियो हमारी मेहनत पूरी रहेगी तेरे को अपने पे देखना है कि भाई तू कितना स्ट्रेच कर सकता है यस yes. ठीक है भाई ढंग से तैयार करेंगे मस्त तरीके से पढ़ेंगे गारंटी देता हूं तुम एग्जाम को फोड़ कर आओगे ठीक है आज एक छोटा सा डेमो लेक्चर लेकर आया हूं आप लोगों का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का है अपना फाइनेंशियल मैथ्स जिसको पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते थे वो चैप्टर 11 से 14 मार्क्स का आता है उसमें जो सबसे बेसिक समझना है ना मतलब इसमें बेसिकली इसी पे आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट टाइम पर आप लोगों ने ये दो टॉपिक जो पढ़े थे ना इसी में से क्वेश्चन आएंगे पांच छह सोचो क्या है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आइए देखते हैं और उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका बनाते हैं कैलकुलेटर से चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक छोटा सा डेमो है ये सपना। उसके लिए पांच डेफिनेशन चाहिए पांच वर्ड्स होने चाहिए और बस सिंपल सी कहानी सिंपल सा जो है हमारा पूरा का पूरा दायरा रेडी हो जाएगा ठीक है उसके अंदर में हमारे पास में ये पांच डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास में दो लोग होंगे ठीक है एक को बोलेंगे हम लेट सपोज रामू और एक को बोल देंगे हम श्यामू ये रामू बाबू और शामू बाबू जो है ना बहुत अच्छे मित्र थे है ना रामू बाबू के पास पैसा बहुत था शामू पे पैसा कम था है ना ही इज लाइक कृष्णा एंड दैट इज लाइक सुदामा ओके इनपे पैसा बहुत सारा था इनपे पैसा थोड़ा कम था तो ये बोले ये बोले कि दोस्त तेरे को जब भी पैसे की जरूरत हो तो हमको बताइएगा हम तुमको पैसा दे देंगे हम तुमको पैसा दे देंगे तो रामू से शामू ने एक बार बोला कि भैया हमको जो है आप कृपा करके लेट सपोज हजार रुपए दे दीजिए हमको अर्जेंट नीड आई है ओके अब श्यामू ने बोला ये पैसा हम आपको लौटा देंगे क्योंकि हम समझते हैं कि हमने आपका पैसा लिया है और इस पैसे का आप जो है कुछ यूज कर सकते थे आप इसको अपने बिजनेस में लगा सकते थे आप इससे कुछ अपनी वाइफ की शॉपिंग कर सकते थे जिससे आपको डांट कम पड़ती आप बहुत जगह से यूज कर सकते थे इसका बट हमने क्योंकि लिया है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपको दे देंगे इसके साथ है ना रिटर्न में मान लीजिए हजार रुपए के साथ साथ आपको हमने दस रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है दस रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है यस कह रहा कितने टाइम में दोगे रामू ने पूछा कितने टाइम में दे दोगे कह रहा लगभग मान लीजिए मालिक एक साल बाद एक साल बाद ठीक है है क्लियर है? तो यहां पर अब ध्यान से सुनना रामू ने पहले पैसा दिया रामू बड़ा इंसान बन गया तो इसको बोलते हैं लेंडर जो पहले पैसा देता है यस लेंडर मतलब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपका लेंडर बन गया यस समझ में आया आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसके लेंडर बन जाते हैं आ, शामु गया यहां से। जो पैसा लेता है सबसे पहले वो बन जाता है, है। अब जो पांच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये तो नाम बता दिया हमने जो पैसा रामू ने शामू को दिया जो पैसा रामू ने शामू को दिया वो क्या था हजार जो सबसे पहले पैसा इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट और इसको पी से डिनोट किया जाता है क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं है भाई ये अमाउंट वाली प्रिंसिपल है ठीक है ना प्रिंसिपल अमाउंट ओके अब शामू रामू को हजार के साथ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहा है ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न में देगा इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ठीक है भाई क्या बोलते हैं इसको हम इंटरेस्ट और रामू को वापस क्या मिला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों का जोड़ मिलाकर एक और नाम बना दिया हमने कि बार बार ना बोलना पड़े इकट्ठा किया हुआ पैसा जिसको अंग्रेजी में बोला गया एकटेड अमाउंट यस एक्मलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा और अमाउंट पैसे के लिए बोला गया तो एक्युमुलेटेड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इकट्ठा किया हुआ पैसा जो रामू को मिलने वाला है बात समझ में आया ठीक है ठीके? अब यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है एक है टाइम पीरियड और दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है समझते हैं देखो अगर मैं बोलूं यहां पर रामू ने पैसा दिया था शामू को है ना रामू ने पैसा दिया था शामू को ठीक है अब शामू को श्यामू ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया यस एक्स्ट्रा जो देना है वो मैं यहां लिखूंगा रामू ने जो प्रिंसिपल देना है वो मैं यहां लिखूंगा ठीक है क्लियर है एक्स्ट्रा को हम ज्यादा बेटर वर्ड क्या बोला अपन ने पर इंटरेस्ट तो यह वर्ड यहां लग दिया ठीक है अब ध्यान सुनना रामू ने जो पैसा दिया मान लीजिए हजार रुपए दिया मान लीजिए हजार रुपए दिया यस श्यामू को रामू ने हजार रुपए दिया श्यामू को तो इंटरेस्ट कितना रुपए दे रहा था दस रुपए अब मान लीजिए शामू बोला भैया भैया हमको जो है बहुत पैसे की और नीड आई है कृपा करके हमें हजार का दस गुना पैसा दे दीजिए तो हजार का दस गुना कितना हो गया दस हजार रुपए तो अगर रामू दस हजार रुपए देगा तो क्या शामू बोले कि हमें दस रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे भैया दस हजार रुपये भी है ना हजार रुपये भी दस रुपए एक्स्ट्रा दस हजार रुपये भी दस रुपए एक्स्ट्रा तो इसमें तो रामू का पोपट बन गया ये तो गलत बात हो गई यार ये तो गलत चीज है ना अरे रामू का प्रॉपर्टी बन गया यार ये तो यहां दस रुपए एक्स्ट्रा इसने दस गुना किया यहां पे भी तो दस गुना होना चाहिए ना एक्स्ट्रा भी भी तो 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 गुना होना चाहिए चीटिंग हो जाएगी वरना तो। तो यहां पर इसीलिए सामू कह रहा कि कोई बात नहीं भैया हम समझ सकते हैं आपकी बात हमने दस गुना किया आपका तो ये भी दस गुना ही आपको दे देंगे ठीक है अब कह रहा कि दोबारा आया फिर एक कुछ टाइम बाद रामू रामू के पास दोबारा आया रामू को बोला भैया भैया अब हम घर बनाने लगे हैं कृपा करके हमें एक लाख रुपए चाहिए दे दीजिए भैया दे दीजिए भैया ने बोला ओके तो उसने बोला एक्स्ट्रा कितना देंगे कह रहा अगली पिछली बार सौ रुपए दिया था आप सौ रुपए ले लीजिएगा कोई बात नहीं है बोला कि अजीब बेवकूफ हो यहां दस गुना मांग रहे हो इसका तो वहां पर भी दस गुना दीजिएगा अब पॉइंट ये है कि यार ये एक्स्ट्रा पैसा तो हर बार इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट लेना है कह रहे कैसे पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट लेना है भाई कुछ तो नंबर बताओ जो फिक्स बोला जाए मतलब मान लो मैं बैंक में जाऊं और बैंक में बोलूं कि हमें कुछ पैसा डिपॉजिट करना है कितना एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो बैंक वाला बोलेगा ₹100 रुपे, ₹200 रुपे, ₹500 रुपे, तो बैंक वाले को बोलेगा अच्छा फिर तो भैया हम एक रुपया दे देते हैं आपको आप पांच सौ रुपए एक बार देंगे तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे लक्ष्मी चिट फंड यही तो मजा है यही तो चाहिए था जीवन के अंदर में है ना ऐसा फील आएगा कह रहा है बैंक वाला नहीं बोलता ऐसा बैंक वाला क्या बोलता है तुमको आपको भैया हम पांच परसेंट का रेट देंगे आपको भैया हम दस परसेंट का रेट देंगे ऐसा वर्ड यूज करता है ना वो रेट क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है कह रहे उतना पैसा आपको दिया जाता है जिसको अगर मैं डिवाइड कराऊं किससे प्रिंसिपल से यस, yes. ये इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड कराऊं, ये वैल्यू फिक्स रहती है बट ये आंसर डेसिमल में आएगा तो इसलिए इसको हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू हमारी बन जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट yes. इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ये स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वैल्यू हमारी हर साल के लिए फिक्स रहती है पर एन एम पर एन एम के लिए कैलकुलेट मतलब किया जाता है मतलब हर साल के लिए आपका ये पर्टिकुलर पर एनएम का मतलब होता है इयरली हम चेक कर रहे हैं कह रहे ये वैल्यू जो आने वाली है ये फिक्स रहेगी हर एक सिचुएशन में मतलब बैंक बोलेगा हम आपको पांच परसेंट का रेट देते हैं तो मतलब वो पांच परसेंट एक साल में आपको ब्याज दे रहा है उसका मतलब क्या हुआ जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे वो यहां पर डाला पांच परसेंट यहां बोल रहा है तो इंटरेस्ट इस फॉर्मूला में रख के निकाला जा सकता है ठीक है तो अगर मुझे बैंक बोल रहा है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा कह रहा चेक करो कह रहा देखो यहां पर सॉरी सामू भैया को इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा कैसे निकालेंगे कह रहा इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल का अमाउंट प्रिंसिपल हजार दिया ना दिस इज प्रिंसिपल दिस इज इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड तो आर कितना हो गया बेटा चेक करो ये जीरो से ये गया ये से ये गया तो आर हो गया वन सेम अगले में भी चेक करके देख लो सेम यहां पर भी चेक करो सौ मिला था दस हजार सौ से मल्टीप्लाई परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए चार जीरो से चार जीरो गया, एक परसेंट सेम यहां पे भी देखोगे तो यहां पर भी आपको एक परसेंट मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा बट पर एक ट्विस्ट है श्यामू ने जो पैसा दिया है वो हर साल दिया है वापस कितना हजार प्लस दस एक साल के लिए वापस दे दिया दो साल के लिए लिया था वापस दे दिया तीन साल के लिए था वापस दे दिया तो यहां पर टाइम पीरियड पे ध्यान देना है ये एक साल का इंटरेस्ट है दो साल का होता तो ज्यादा हो जाता तीन साल का होता तो ज्यादा हो जाता चार साल का होता तो ज्यादा हो जाता अब वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा दो कंडीशन पर ठीक है टाइम पीरियड मतलब ये मैं यहां पर टाइम पीरियड कितना लेकर चल रहा हूं हर केस में वन ईयर अगर ये एक का दो कर दूं तो हो सकता है यहां 200 सौ यहां बीस यहां 200 सौ यहां पर दो हजार हो जाए हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए वो डिपेंड करेगा दो कंडीशन पर ठीक है ना भाई वो दो कंडीशन क्या है एक को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट एक को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी ये दो फॉर्मूलास पढ़े होंगे है ना अरे सिंपल बहुत आसान होता है सर कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं होता इसमें अरे कुछ नहीं है सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में हम क्या करते हैं सर कह रहे पी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और टाइम पीरियड टी इसको मल्टीप्लाई किया और सो से डिवाइड करा हो गया हो गया कुछ नहीं है और एक्यूमिलेटेड अमाउंट जिसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा वो हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ना यही पढ़ा आपने यस yes. यही पढ़ा है ना इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एड कर दो ये बन गया जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं इसका फॉर्मूला देखकर तो माथा गर्म हो जाता है सर यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला गया, गया है हमारे जीवन में हमारा जीवन अजीब सा हो जाता है अब ये फॉर्मूला अभी नहीं बता सकता इसका पूरा डेरिवेशन समझाएंगे कैसे आता है क्यों आता है क्या करा जाता है क्या डिफरेंट किया जाता है ये सब बताएंगे आपको ठीक है बताएंगे अभी रुक जाओ बट ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये बताएंगे आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट p 1 R 100 की पावर t 1। यहां पर ये इसका पढ़ा पढ़ा है है आप लोगों ने है ना में भाई अभी नहीं बता रहा डेरिवेशन आज नहीं बता रहा बस ये लॉजिक बताऊंगा इसका फॉर्मूला अलग क्यों हुआ है ना ये इससे अलग क्यों हुआ बट ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है इसका भी थोड़ा सा एक्सपेंशन है मुझे पता है आप लोगों ने ये फॉर्मूला पड़े हुए हैं यस आज नहीं बता रहा मैं कि ये फॉर्मूला क्यों बने हैं कैसे बने हैं कैसे बनी कैसे बनी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला कैसे बनी ये आज नहीं डिस्कस होगा ये क्लास में करेंगे बस बताऊंगा आज मैं इसका कि ट्रिक क्या लगती है कैसे आंसर फटाफट से फटा आता है और दूसरी चीज ये डिफरेंस क्यों आया फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि हम कॉमन कॉमन है क्या हम बहुत साधारण से इंसान है हम बहुत साधारण सी चीज है कह रहा है इंटरेस्ट आपका तीन चीजों पे डिपेंड करता है कह रहा है एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा और टाइम पीरियड टाइम पीरियड बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट बोलता है। कह रहा है बहुत साधारण सी चीज है कह रहे इन सबको मल्टीप्लाई करा दो ठीक है तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया क्योंकि आर हमारा परसेंटेज में था जिसको सो से मल्टीप्लाई करके बनाया था तो यहां सो से डिवाइड कर देना

पैंतीस सौ रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट बारह परसेंट देखो पर एन पर एन को शॉर्ट में पी डॉट ए लिख दिया टाइम पीरियड थ्री ईयर कितना बन गया कह रहे है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बारह इंटू तीन बाय सो कर देंगे ऐसा कर सकते हो इजी है कैलकुलेट करके देखें इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे इसका आंसर और भी जल्दी आएगा मल्टीप्लाई के लिए ये मल्टीप्लाई का साइन है इन में तीन और डिवाइड बाय में सो आंसर आ गया सर जी बारह सो साठ यस बट एक और ट्रिक है क्या सर देखो कह रहे देखो आप सिंपल कैलकुलेटर पे, पी इंटू आर इंटू टी परसेंटेज या फिर ऐसा ना लिखकर पी इंटू टी इंटू आर परसेंटेज ये वैल्यू लिख दो काम बन जाएगा तो पी कितना है पैंतीस सौ कैल्कुलेटर पर करोगे में तीन इंटू में बारह परसेंट पैतीस सौ इंटू में तीन इंटू में बारह परसेंट ये आंसर आया ना आपका बारह सौ साठ तो यहां से दोबारा से कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन दोबारा करनी है ठीक है ना बोले तो भैया चलिएगा कैलकुलेटर निकाला कैलकुलेटर से करते हैं देखो पैंतीस सौ इंटू तीन इंटू बारह परसेंट करें पैंतीस सो इन तीन इंटू बारह परसेंट तो ये दिख रहा है यहां पर आंसर जो बाद वाला है ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर है यहां पर इस कैलकुलेटर में आंसर जो आएगा आपका ये बाद वाला दिखेगा एक्चुअल में जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे ना बलक आप अपनी जब नोटबुक में करेंगे ना या नोटबुक सॉरी अपनी कैलकुलेटर पे करेंगे ना भाई अपनी कैलकुलेटर पे करेंगे सेम ये काम तो आपको सीधा सीधा आंसर दिखेगा ओके दिखाएंगे क्लास में दिखाएंगे आपको डिटेल में अभी डिस्प्ले इतना पास से नहीं हो पाता तो कैलकुलेटर के लिए थोड़ा अलग इन्वायरमेंट रखते हैं हम क्लास में ओके So, अभी नहीं हो पाता है इसीलिए हम इसको इस पे दिखा रहे हैं बट कैलकुलेटर से सिखाएंगे पूरा मस्त तरीके से ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं ये। 500 10 तो सीधा निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए पे अर्न करना है पांच सौ रुपए पे तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट तो दस परसेंट से मल्टीप्लाई टाइम पीरियड फाइव कैलकुलेटर का यूज करेंगे ये और सीधा आंसर तो प्रिंसिपल टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ही मल्टीप्लाई कर डाला करें आइए 500 सो इन टू में 10 परसेंट आंसर आ गया ये बाद वाला कितना आया ढाई सो ये बाद वाला मल्टीप्लाई के बाद वाला कितना आ गया ढाई सौ क्या इजी पीजी लेवन पीजी ट्रिक है ठीक है एक्यूमलेटेड अमाउंट क्या था भाई si एस आई प्लस पी दैट इज ढाई सौ प्लस पांच सो ना या फिर पी प्लस है सही बात बराबर है तो दिस इज साढ़े सात सौ दिस इज हाउ लर्न ओके okay, कितनी सी ट्रिक है प्रिंसिपल टाइम और रेट इन परसेंटेज को सीधा मल्टीप्लाई करा दिया अब कह रहे ये ट्रिक तो सर बहुत बच्चों वाली कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई ट्रिक निकालिए तो हम आपको माने यस yes, ठीक है चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हमने आपके ट्रिक बनाई है आइए देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्लास में सिखाऊंगा बाद में कि फॉर्मूला क्यों बना ऐसा यस yes. और यहां पर बस मैं आपको बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर टी माइनस वन और यहां पर हो जाता है वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर टी यस ये फॉर्मूला पढ़े ठीक है ना भाई क्लियर है ही ये जो फॉर्मूला देखे हैं ये फॉर्मूला का देखो रीजन क्या होता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना बालक वहां पर प्रिंसिपल फॉर ऑल द टाइम है ना ऑल द इयर्स बोल लो या फिर ऑल द टाइम पीरियड बोल लो बेटर वर्ड होता है इस सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में प्रिंसिपल फॉर अपकमिंग ईयर या अगला ईयर बोल लो ठीक है या अपकमिंग टाइम पीरियड बोल लो जो भी बोलना है आगे बताऊंगा ईयर क्यों वर्ड अच्छा नहीं है अभी मान लो कि ईयर बोल दिया साल वाई साल निकाल रहे हैं तो फॉर अपकमिंग ईयर क्या हो जाता है क्या हो जाता है बालक क्या हो जाता है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है ये हमारा फॉर अपकमिंग ईयर इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यस इसकी वजह से हमारा जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है मतलब क्या हुआ कह रहा है कि भैया जैसे आपके बैंक खाते में होता है इसका मतलब समझाता हूं दैट्स इट आपके बैंक खाते में होता है आप सौ रुपए जमा करा के एक साल बाद वो सौ रुपए एक सौ पांच रुपए बन गए तो अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा सौ रुपए पे एक सौ पांच पे जमा सो कराया इंटरेस्ट लगा के साल के अंत में एक सौ पांच बन गया अब इंटरेस्ट किस पे मिलना चाहिए उंट में तो 105 पड़े ना 105 में मिलना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे ना, 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 तो हर साल पांच पांच रुपए देंगे किस पे मिलेगा वो प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है मैं बड़े दिल का इंसान हूं जितना तेरे अकाउंट में पड़ा हुआ हो पैसा होगा हर साल के अंत में उस पर इंटरेस्ट लगा के देंगे तथास्तु तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है लास्ट ईयर के हमारा जो अमाउंट बनेगा यस लास्ट ईयर का हमारा जो अमाउंट बनेगा वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है समझ में इसकी वजह से सारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है किस किस को ये बात पता थी फटाक से बताओ मुझे कमेंट में जिसको नहीं पता थी ठोको ताली जल्दी से ठीक है क्लियर भाई यस समझ में आई मेरी बात ओके मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कह रहे कि भैया अगर आपने सौ रुपए दिया है बैंक में तो भैया आपको पांच रुपये हर साल इसी पे देंगे है ना पहले साल में भी इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड में भी इसी पे मिलेगा थर्ड भी इसी पे मिलेगा जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है कह रहा है सौ रुपये दिया है अभी अगले साल आपका मान लीजिए एक सौ पांच वो तो इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर के बाद में पांच है ना सेकेंड ईयर के बाद में इन दोनों के जोड़ पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको हो सकता है वो बन गया हमारा पांच पॉइंट पांच रुपए थर्ड ईयर के अंदर में और बढ़ जाएगा सर जी वो छह रुपए मान लीजिए हो गया समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ठीक है तो इंटरेस्ट ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा सर ये ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा बट अंदाजे से बता रहा हूं क्योंकि ये इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है आपका इस प्रिंसिपल में नहीं जो बचा हुआ होगा उसका जोड़ पे फिर दो साल बाद इन तीनों का जोड़ हो गया उस पर मिलेगा मैजिक है ना यस ओके okay. जादू आइला ठीक है भाई समझ में आई मेरी बात ओके okay. क्या लॉजिक होता है कैसे चलता है क्यों इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला यही कंपाउंड जो है ये दुनिया का जुबा है समझ में आएगा कह रहा है प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम पीरियड सेम फिर भी एक्स्ट्रा ऐसा मिल रहा है वाओ अ मैजिक है ना तो ये सब हम सीखेंगे आगे एक दो क्वेश्चन एक दो ट्रिक सिखाने के लिए आपको बताता हूं ठीक है क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में अगर मुझे अमाउंट एक अमाउंट मतलब कि हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसकी कैलकुलेटर ट्रिक सिखा रहा हूं सीधी सीधी ठीक है यस yes. तो यहां पर एन क्या है हमारा नंबर ऑफ इयर्स यहां पर इस केस में एन क्या है नंबर ऑफ इयर्स या टाइम पीरियड बोलते हैं ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बोला फाइव पर एन है ओके और प्रिंसिपल हमें दे रखा है एक हजार. रहे अगर मुझे इसमें एक्मिलेटेड अमाउंट निकालना हुआ वैसे तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर कैपिटल लिख दिया में बाय्रेड की पावर ये एन आ जाएगा है ना टाइम पीरियड एन बन गया सो so, कह रहे वैसे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा भाई यस yes, कह रहे सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बट मैं इसका आंसर निकालने के लिए एक और बढ़िया फॉर्मूला यूज हा भाई ट्रिक देखो क्या है इसको सॉल्व करने की अब कैलकुलेशन में तो कर सकते थे यस ये पावर फोर इन टू वन थाउजेंड बन जाएगा इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा क्लास में अभी नहीं देखना चाहते हो कैलकुलेटर ट्रिक की वीडियो पड़ी है सीए वाला चैनल पे देख लेना बट अगर एक छोटी सी जो ट्रिक है वो अभी बता रहा हूं मैंने बोला क्या कर रहा है देखो ट्रिक क्या है कह रहा है ए के अंदर में अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसके अंदर में जो ये आपका आठ परसेंट है ना बेटा ये ऐड करना है कितनी बार ऐड करना सर कितनी बार ऐड करना है रहे जितनी बार आपको एन दिया होगा जितनी बार नंबर ऑफ ईयर दिए रखे होंगे ठीक है सिंपल ओके तो यहां पर कितना दिया है चार वैल्यू दिया है तो अपन क्या करेंगे यस हजार रुपए में प्रिंसिपल हजार है उसमें परसेंटेज कितनी है इसकी पांच परसेंट ये चार बार ऐड कर देंगे कैलकुलेटर पे करोगे तो ऐसे करना ठीक है आंसर आ जाएगा अगर लैपटॉप पे कर रहे हो अभी या कंप्यूटर पे कर रहे हो मेरे भाई तो यहां पर ना हर बार में इक्वल टू दबाना पड़ेगा यस yes, हर बार में इक्वल टू दबाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर में मैकेनिज्म थोड़ा सा अंदर चलता है अलग ठीक है ओके समझ में आया चलो देखें दिखाता हूं हजार प्लस में फाइव परसेंट इक्वल टू ठीक है प्लस में फाइव परसेंट इक्वल टू प्लस में फाइव परसेंट इक्वल टू तीन बार हो गया प्लस में फाइव परसेंट इक्वल टू कितनी बार हो गया चार बार हो गया तो चेक कर लेना मेरे भाई कैलकुलेट करके चेक कर लेना यहां से भी जो आंसर आने वाला है वो सेम टू सेम आने वाला है ठीक है वो सेम टू सेम आने वाला है अब यहां पर मैं पहले एक्यूमलेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं हजार प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट जितने साल दे रखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमने पढ़ा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा ना मेरे भाई ए माइनस पी एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है मेरे भाई बारह एक है ना बारह पंद्रह मतलब पॉइंट ही मान लेते हैं इसमें से प्रिंसिपल कर दिया माइनस उत्तर आ गया 215 ठीक है चाहो तो यहीं पर ट्रिक पे करना हो तो माइनस कर दो वापस से आंसर आ जाएगा अरे माइनस हजार करना था ना रुको रुको, 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 रुको रुको जो आंसर आया आपका ठीक है ना मेरे भाई उसमें से माइनस कर दिया अपन ने प्रिंसिपल आंसर आ जाएगा ठीक है ना भाई सही है डन है ये बन गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक को वेरीफाई करने के लिए एक और क्वेश्चन कराता हूं चलिए जैसे ये देखा है कह क्या राजू टू कलोन ऑफ टेन थाउजेंड फ्रॉम बैंक एट द कंपाउंड इंटरेस्ट सेवन परसेंट एनुअली फॉर थ्री इयर्स तो राजू को कितना पे करना पड़ेगा वापस तो राजू को जितना पे करना पड़ेगा है ना हाउ मच राजू नीड्स टू पे बैंक तो अपने दिमाग में ना ऐसे पिक्चर बनाने हैं ठीक है बैंक से पैसा लेकर आया है राजू ये आपके दिमाग में बनेगा बैंक से लेकर आया है दस हजार रुपए बैंक को वापस क्या देगा अमाउंट जहां पर प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट आएगा ठीक है क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड में लिखा है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा तो बैंक को वापस एक्यूमेलेटेड अमाउंट देगा कैसे निकालोगे जो प्रिंसिपल उठाया उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सात परसेंट है वो तीन बार ऐड कर देंगे वो तीन बार ऐड कर देंगे क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर पे नहीं आपका बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे इक्वल टू दबाऊंगा ठीक है अगर आप बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहे हो मतलब लैपटॉप पे सॉल्व नहीं कर रहे हो दोनों ट्रिक बता दी मैंने ठीक है तो आप यहां पे इक्वल टू नहीं दबाएंगे ओके देखो सिंपल तो यहां पर मैंने क्या करना है सात परसेंट कितनी बार लिखा देखो जितने ईयर्स थे जितने ईयर थे उतनी बार तो प्लस में सात परसेंट एक बार प्लस में सात परसेंट दो बार प्लस में सात परसेंट तीन बार तो कितना वापस देंगे बैंकों रुपीस वन टू टू फाइव जीरो पॉइंट फोर थ्री फटाक से बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर ए माइनस पी सर तो यह हो जाएगा वन टू टू फाइव जीरो पॉइंट फोर थ्री माइनस का कितना भैया दस हजार तो कितना हुआ माइनस कर दिया इसमें से प्रिंसिपल तो आ गया सर हमारा रुपीज टू टू फाइव जीरो पॉइंट फोर थ्री आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी यही ट्रिक्स की वजह से हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और ऐसी स्पीड की वजह से हम एग्ज़ाम के अंदर कर आएंगे बेटा ऐसी ट्रिक और बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं ठीक है थीके? पावर निकालने की ट्रिक कैसे लॉग निकालने की ट्रिक कैसे है यस हमें कैसी ट्रिक्स यूज करनी है एम प्लस एम माइनस का यूज़ करके इन स्टार्ट जिससे कैलकुलेशन बहुत फटाफट से हो जाएगी ग्रैंड टोटल कैसे यूज़ करेंगे यस yes, एलिमिनेट कैसे करेंगे ऑप्शन ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे क्लास में इसी चीज़ को जानना चाहते हो तो, तो बने रहिएगा तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग टेक केयर बाय बाय अलविदा पचपाटी